अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जो दुनिया की 400 करोड़ महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। ब्रिटेन में एक बहुत मशहूर क्रिकेट क्लब है जिसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC, और ये क्लब क्रिकेट के लिए नियम कायदे तय करता है और पूरी दुनिया में भी इसका बहुत प्रभाव है। यानी क्रिकेट के जो पूरी दुनिया में नियम आप देखते हैं वो ये क्लब तय करता है। अब इस मशहूर क्लब ने ये तय किया है कि बैट्समैन शब्द की जगह बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बैट्समैन में मैन शब्द आता है जिसका मतलब होता है पुरुष, लेकिन अब क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं बचा बल्कि महिलाएं भी इसे खेलती हैं। इसलिए यह तय किया गया कि अब बैट्समैन के लिए बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है, यानी यह महिलाओं और पुरुषों में भेद नहीं करता। क्रिकेट में बैट्स और मैन बैट्समैन शब्द का इस्तेमाल वर्ष 1744 से किया जा रहा है, यानी क्रिकेट जैसे खेल में महिलाओं को समानता का अधिकार देने में 277 वर्ष लग गए हैं। तो यहां आप ये समझ लीजिए, इससे पहले हम सबको यही आदत थी कि हम किसी के बारे में भी बात करते थे जब कोई बैट्समैन आता था तो बैट्समैन ही हम उसको कहते थे और कहते थे कि किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं, लेकिन बैट्समैन जब आपने कह दिया तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब बैटिंग करने वाली कोई महिला खिलाड़ी हो तो आप उसे बैट्समैन कैसे कहेंगे, या तो आप उसे बैट्सवुमन कहेंगे। इसीलिए अब यह नया बदलाव किया गया है, अब बैट्समैन की बजाय जो बल्लेबाज लोग हैं, जो बल्लेबाजी करते हैं जो खिलाड़ी, उन्हें बैट से बैटर कहा जाएगा। ये सारे बैटर कहलाएंगे, बैट्समैन नहीं। एमसीसी ने यह भी तय किया है कि अब नाइट वॉचमैन की जगह नाइट वॉच और थर्ड मैन की जगह थर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पहले हम नाइट वॉचमैन इस्तेमाल किया करते थे खिलाड़ियों के लिए, और थर्ड मैन जो था वो एक पोजीशन होती थी फील्ड पर, उसे हम थर्ड मैन कहते थे, और उसमें भी जो ये शब्द जो है ये पुरुषों की तरफ इशारा करता है, यानी तो इसलिए इसे भी अब हटा दिया गया है। इसमें से जो मैन शब्द है अब वो हट रहा है। महिलाओं की क्रिकेट टीम के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 1934 में खेला गया था और 87 वर्षों के बाद अब जाकर महिलाओं को इस खेल में पुरुषों के बराबर माना जा रहा है। नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं, नाम और संज्ञाओं में बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या अकेले क्रिकेट की नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुरुषों के एकाधिकार के बारे में बताते हैं, जैसे चेयरमैन, जैसे बिजनेसमैन, जैसे सेल्समैन, पुलिसमैन, फायरमैन, पोस्टमैन वगैरह वगैरह। अब इनमें भी कुछ बदलाव आ गए हैं, सेल्समैन की बजाय अगर आप सेल्स वुमेन भी कहने लगे हैं, बिजनेसमैन की बजाय बिजनेस वुमेन भी कहने लगे हैं, लेकिन अब इनके विकल्प तलाशे जा रहे हैं और इनके विकल्प के तौर पर जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो भी इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एमसीसी के इस फैसले पर भारत के पूर्व महिला और पुरुष क्रिकेटर्स का क्या कहना है, आप अब वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका देश, जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, वो ही है या वो शी है। वुमेन्स क्रिकेट देख रहे हैं, आप मैच क्रिकेट देख रहे हैं, जो एक टर्म है बैटर, यानी कि एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, आप उसका जो उसको एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो कमेंटेटर हो चाहे वो आपका टीममेट्स क्यों ना हो, आप ये कहते हैं बड़ा अच्छा लगेगा, एक बेटर बल्लेबाजी कर रहा है या एक बेटर बैटिंग कर रहा है, रादर देन मैन और वुमेन। तो जेंडर इक्वालिटी का बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पहुंच चुका है, बहुत पॉजिटिव। बैट्समैन या बैट्स वुमन की जगह पर बैटर जो इस्तेमाल किया है शब्द, आई थिंक ये बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द है और मैं इससे सहमत हूँ। इंस्टेड ऑफ बैट्समैन और बैट्स वुमन, बैटर साउंड्स बेटर। धीरे धीरे कैसे समाज में और देश में बदलाव आ रहे हैं उसकी एक और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कई दशकों पहले एक बहुत मशहूर चॉकलेट ब्रांड है, उसका एक विज्ञापन आया था जिसमें एक लड़का जो है वो अंदर क्रिकेट खेल रहा है और वो एक शानदार शॉट मारता है, खेलता है और छक्का मारकर अपनी टीम को जिता देता है। उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है जो बाहर दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देख रही है, और जब उसका ये शानदार प्रदर्शन वो देखती है तो वो चॉकलेट खाते हुए, डांस करते हुए फील्ड में आती है। आपने ये विज्ञापन देखा होगा। अब जब इतने दशकों के बाद इस विज्ञापन को दोबारा बनाया गया तो इसमें बताया गया है कि अब फील्ड में अंदर जो खेल रही है वो खिलाड़ी, वो महिला है, वो लड़की अंदर खेल रही है, उसने वो एक शानदार शॉट खेला है, छक्का मारा है जिससे अपनी टीम को जिता दिया है, और जो दूसरा लड़का है, जो लड़की का दोस्त है,
वो बाहर दर्शक दीर्घा में बैठकर ये मैच देखने के लिए आया है और वो अब चॉकलेट खाते हुए डांस करते हुए इसे सेलिब्रेट करके वापस फील्ड में जा रहा है। यानी अब बिल्कुल सब कुछ रिवर्स होता जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में हम अक्सर अपने देश को मदरलैंड कहकर बुलाते हैं, जबकि अमेरिका में देश को फादरलैंड कहते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी में इंडिया के साथ ज्यादातर शी या हर का इस्तेमाल किया जाता है और अपने देश को हम कई बार भारत माता भी कहकर बुलाते हैं। लेकिन कई बार शब्द महिलाओं और पुरुषों के बीच एक खाई पैदा कर देते हैं और अब दुनिया भर में इसी खाई को भरने की कोशिशें हो रही हैं। क्रिकेट के जो नए शब्द हैं, नए नियम हैं, ये उसी की एक कड़ी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.